अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह कर दूँ। तहरीक-ए-इंसाफ का बहावलपुर जलसा कितने आदमी थे? कई नाकाम जलसों के बाद इमरान खान की सरजनश के बाइस तहरीक-ए-इंसाफ बहावलपुर में मुतासर कुन पावर शो करने में कामयाब। तहरीक-ए-इंसाफ जंग और जेलम के नाकाम जलसों के बाइस शदीद दबाव का शिकार हो गई थी। इमरान खान के शदीद रद्द अमल के बाद बहावलपुर के ऑर्गेनाइज़र आवाम की बड़ी तादाद को जलसा गाह लाने में कामयाब हो गए। कई नाकाम जलसों के बाद इमरान खान की सरजनश के बाइस तहरीक-ए-इंसाफ बहावलपुर में मुतासर कुन पावर शो करने में कामयाब। तहरीक-ए-इंसाफ जंग और जेलम के नाकाम जलसों के बाद शदीद दबाव का शिकार हो गई थी। इमरान खान के शदीद रद्द अमल के बाद बहावलपुर के ऑर्गेनाइज़र आवाम की बड़ी तादाद को जलसा गाह लाने में कामयाब रहे। तफसीलात के मुताबिक जुमा के रोज़ तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इंतहाबी मुहिम के सिलसिले में बहावलपुर का रुख किया। तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान की आमद पर बहावलपुर की क्यादत ने बड़े जलसा-ए-आम के इनेकाद के इंतजाम किए। इससे कबल तहरीक-ए-इंसाफ जंग और जेलम के नाकाम जलसों के बाइस शदीद दबाव का शिकार हो गई थी। इसी बाइस तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं की शदीद सरजनश भी की थी। बहावलपुर के कामयाब जलसे के बाद तहरीक-ए-इंसाफ नाकाम जलसों के दबाव से निकलने में कामयाब हो गई है, जबकि आज ही के रोज़ तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्तान में भी बड़े जलसे का इनेकाद किया। इमरान खान जुमा के रोज़ रात गए मुलाकात के जलसे से खताब करेंगे। ताहम मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे के मुतासर होने का भी अमकान है। तो नाज़रीन, आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय के इजहार में कमेंट बॉक्स में दें। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।